नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खूब मजे कर रहे होंगे और छुट्टियां एंजॉय भी कर रहे होंगे। वैसे एंजॉयमेंट की बात करें तो आजकल इंडियन सिनेमा में साउथ इंडियन फिल्में धमाल मचा रही हैं और लोग सच में उन फिल्मों के लिए दीवाने और एक्ट्रेस के जबरा फैन हो रहे हैं। जहां बॉलीवुड फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही, वहीं KGF, RRR और विक्रम जैसी मूवीज फैंस को बेहद पसंद आ रही हैं। साउथ इंडियन फिल्मों की इस प्रकार बढ़ती सफलता के चलते ही साउथ इंडियन एक्टर्स भी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाले 10 साउथ इंडियन एक्टर्स कौन हैं और जानेंगे कि साउथ इंडियन मूवीज की सफलता का उन्हें कितना फायदा हो रहा है और हाल ही में आई फिल्मों में उन्हें कितनी कमाई की है। 10 कमल हसन। शुरुआत करते हैं एक ऐसे एक्टर के साथ जिनको आज शायद आप सभी लोग जानते होंगे। अगर आप साउथ इंडियन इंडस्ट्री को जरा सा भी फॉलो करते हैं तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं हाल ही में एक बेहद धमाकेदार मूवी विक्रम में दिखाई देने वाले एक्टर कमल हसन के बारे में। कमल हसन एक एक्टर के अलावा एक फिल्म मेकर, डायरेक्टर, प्लेबैक और लिरिसिस्ट भी हैं। उन्होंने मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी के अलावा कई सारी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें कमल हसन की नेटवर्थ 177 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है। कमल हसन एक बेहद शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं। इनके चेन्नई में दो फ्लैट्स मौजूद हैं, साथ ही गाड़ियों में इनके पास BMW और लेक्सस जैसी गाड़ियां हैं। जानकारों की माने तो कमल अपनी हर फिल्म से 25 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई करते हैं, जो कि उनके भारत के सबसे अधिक कमाने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में शामिल करता है। आपको बता दें कमल हसन की नेटवर्थ आज की तारीख में 34 करोड़ है और हाल ही में आई उनकी फिल्म विक्रम से उन्होंने 50 करोड़ की कमाई की है। 9 यश। बेहद कम समय में सबसे अधिक लोकप्रियता कमाने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में से है नवीन कुमार गौड़, जिन्हें हम उनके स्टेज नाम यश के नाम से जानते हैं। यश अपनी ब्लॉकबस्टर मूवी KGF के बाद मूवी फैंस के दिल में एक अलग ही जगह बना चुके हैं। हाल ही में उनकी लोकप्रियता का प्रभाव उनकी नई फिल्म KGF चैप्टर 2 में दिखाई दिया, जहां लोग बस उन्हें एक बार और पर्दे पर देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। यश की कमाल की एक्टिंग, लोकप्रियता और पर्सनैलिटी के कारण आज साउथ इंडियन इंडस्ट्री में यश को हर कोई सम्मान की नजरों से देखता है। यश ने इसी कारण हर एक मूवी में काफी अधिक कमाई करनी शुरू कर दी। अगर जानकारों की माने तो हाल ही में आई KGF मूवी के लिए यश ने 30 करोड़ रुपए से भी अधिक लिए हैं, जो कि सच में उनकी इंडस्ट्री में मांग और पहचान को दिखाता है। 8 जूनियर NTR। जूनियर NTR साउथ इंडिया के सबसे जाने माने एक्ट्रेस में से एक है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के रूप में की थी। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने आज फिल्म इंडस्ट्री में ये मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें जूनियर NTR आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक तेलुगु एक्टर NTR रमा राव के पोते हैं। जूनियर NTR ने वैसे तो साउथ इंडिया की कई हिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन हाल ही में आई फिल्म RRR के कारण वो आज देश भर में बेहद प्रचलित हो गए हैं। एक मशहूर फिल्म एक्टर होने और बेहद लोकप्रिय होने के कारण जूनियर NTR अपनी हर फिल्म में 45 करोड़ रुपए से भी अधिक की कमाई कर लेते हैं। इसी कारण वो बेहद शानदार जिंदगी जीते हैं, जिसमें उनका घर, उनकी कार्स लेम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW और लैंड रोवर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। जूनियर NTR इस समय भारत के सबसे अधिक कमाने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में से एक हैं। आपको बता दें इनकी नेटवर्थ 444 करोड़ रुपए के आसपास है और साथ ही हाल ही में हिट हुई उनकी फिल्म RRR से उन्होंने 45 करोड़ की कमाई भी की है। 7 धनुष। कहा जाता है कि अगर हालात आपके साथ ना भी हों और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप खुद की पहचान बना ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ मानना है साउथ इंडियन एक्टर धनुष का, जिन्होंने अपने एक्टिंग के टैलेंट के दम पर खुद को इतना लोकप्रिय कर लिया है कि वो साउथ इंडियन मूवीज के अलावा इंग्लिश मूवीज में काम करने लगे हैं। पैन इंडिया फिल्म के साथ धीरे धीरे धनुष सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जा रहे हैं। नेटफ्लिक्स की हाल ही में आने वाली मूवी द ग्रे मैन में धनुष एक अच्छा खासा रोल प्ले करने वाले हैं। धनुष की इस प्रकार बढ़ती लोकप्रियता और फैंस के प्यार के कारण फिल्म इंडस्ट्री भी धनुष को फिल्में बनाने के लिए अच्छी खासी कीमत देने को तैयार है। सूत्रों के अनुसार धनुष अपनी हर मूवी पर 50 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं, जो कि इन्हें इंडिया के टॉप साउथ इंडियन एक्ट्रेस में शामिल करता है। धनुष की कुल संपत्ति लगभग 148 करोड़ है और अगर कमाई की बात करें तो उन्होंने हाल ही में की फिल्म पट्टास में 6.5 की कमाई की है, जो कि उनके करियर की शुरुआत ही है। 6 महेश बाबू। अगर आपने साउथ इंडिया की फिल्में देखी हैं तो मुमकिन है कि आपने महेश बाबू की कोई ना कोई मूवी जरूर देखी होगी। महेश बाबू इस समय साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते एक्ट्रेस में से एक हैं, जिन्होंने कई कमाल की फिल्में बनाई हैं। इन्होंने अपना करियर की शुरुआत एक चाइल्ड एक्टर के रूप में जरूर की थी, मगर आज वो इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम बन गए हैं। महेश बाबू ने हाल ही में बेहद हिट फिल्में की हैं, जिसकी बदौलत आज वो हर फिल्म के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। यही इन्हें भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में से एक बना देता है। अगर बात करें कि नेटवर्थ की तो वो $20 मिलियन यानी 140 करोड़ रुपए से भी अधिक है और उनकी हाल ही में आई फिल्म सरकारू वारी पाटा ने उन्हें लगभग 50 करोड़ रुपए कमा कर दिए हैं। 5 रामचरण। रामचरण एक ऐसे साउथ इंडियन एक्टर हैं जिन्हें आज देश भर में शायद सभी मूवी लवर्स जानते होंगे। हाल ही में आई उनकी फिल्म RRR के अलावा भी
इन्होंने कुछ ऐसी कमाल की फिल्में बनाई हैं जिन्होंने भारतीय ऑडियंस पर एक अलग ही छाप छोड़ी है। इसी के कारण आज ये भी उन साउथ इंडियन एक्ट्रेस में शामिल हो गए हैं जो हर फिल्म पर 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेते हैं। हालांकि RRR में उनके कमाल के परफॉर्मेंस के बाद उनकी डिमांड और भी बढ़ने वाली है, मगर बताया जा रहा है कि आने वाले मूवीज RC15 और 16 में वो 100 करोड़ रुपए की कमाई करेंगे। हालांकि बेशुमार दौलत के मालिक रामचरण बेहद शानदार जीवन जीते हैं, मगर गाड़ियों में वो एस्टन मार्टिन V8 पसंद करते हैं। साथ ही कलेक्शन में हाल ही में मर्सिडीज भी शामिल हो गई है। नंबर 4, रजनीकांत। अब बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसका सम्मान साउथ इंडिया से लेकर बॉलीवुड तक सभी करते हैं। वो एक लेजेंडरी एक्टर हैं जिन्होंने कई सारी फिल्म इंडस्ट्रीज और उनकी मूवीज में काम किया है, जो कि सबसे अधिक कमाई करने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में से एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान एक्टर रजनीकांत के बारे में, जिन्होंने अपने एक्टिंग के जलवे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हॉलीवुड के फिल्मों में भी बिखेरे हैं। एक ऐसे एक्टर जिनका सभी सम्मान करते हैं वो है रजनीकांत। आपको बता दें कि किसी भी फिल्म के लिए रजनीकांत 100 करोड़ रुपए तक की कमाई करते हैं, जो कि बेहद सराहनीय है। इसके बावजूद रजनीकांत सादगी में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। रजनीकांत साउथ इंडस्ट्री के सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं, जिनकी नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए के आसपास है, और साथ ही उन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म अनाथे में उन्होंने 100 करोड़ की कमाई की है। नंबर 3, अजीत कुमार। अगर आप साउथ की मूवीज देखते हैं और अजीत कुमार को ना जानते हो तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अजीत कुमार साउथ इंडियन इंडस्ट्री में कई हिट एक्शन मूवीज कर चुके हैं और उन्हें हम ज्यादातर वन मैन आर्मी के रूप में देखते हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी और फिर इन्होंने तमिल सिनेमा में भी 60 फिल्मों में काम किया। अजीत कुमार लोकप्रिय होने के साथ साथ एक बेहद डिमांडिंग एक्टर भी हैं। इन्होंने हाल ही में अपनी मूवी AK-47 के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की थी, मगर स्टूडियोज ने उन्हें उससे भी 5 करोड़ अधिक देकर एक लीड एक्टर के रूप में शामिल कर लिया, और इसी कारण से वो सबसे अधिक कमाई करने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस की सूची में तीसरे स्थान पर हैं। नंबर 2, थलापति विजय। इसमें तो कोई शक नहीं है कि थलापति विजय एक बेहद कमाल के एक्टर हैं और काफी डिमांडिंग भी हैं। थलापति विजय ने साउथ इंडियन इंडस्ट्री की अनगिनत फिल्मों में काम किया है और अपनी एक अलग पहचान बनाई है। विजय को उनके एक्शन, कॉमेडिक अंदाज और कमाल के डायलॉग्स के लिए देश भर में सराहा जाता है। साथ ही अब तो वो भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में भी एक बन गए हैं। उनकी आने वाली फिल्म थलापति 66, जो कि उनकी 66वीं फिल्म है, उसके लिए उन्होंने 118 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि उन्हें सबसे अधिक कमाई करने वाले साउथ इंडियन एक्ट्रेस में दूसरे स्थान पर ले आता है। साथ ही उन्होंने 100 करोड़ का बजट अपनी आने वाली कई फिल्मों के लिए चुनाव किया है। नंबर 1, प्रभास। आखिरकार बात कर ही लेते हैं उस साउथ इंडियन एक्टर के बारे में जो कि सबसे अधिक कमाई करते हैं और जो हमारी सूची में पहले स्थान पर हैं। अगर आप अभी तक नहीं सोच पाए हैं तो आपको बता दें, पहले स्थान पर हैं साउथ इंडिया के बेहद मशहूर एक्टर प्रभास। बाहुबली और बाहुबली 2 की लोकप्रियता के बाद एक्टर प्रभास देश भर में चर्चित हैं। उनकी इन फिल्मों से उन्हें एक ऐसी शुरुआत मिल चुकी है जहां स्टूडियोज उन पर आंख बंद करके पैसा लगाने को तैयार हैं। उनकी कमाल की एक्टिंग और कैमरे के सामने किया गया उनका काम लोगों का दिल छू जाता है और लोग उनकी मूवीज देखने के लिए बेहद उत्साहित रहते हैं। प्रभास ने अपनी हाल ही में आई फिल्म राधे श्याम के लिए स्टूडियो से 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, जो कि उन्हें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे एक्ट्रेस में से एक बनाता है, और वो कमाई करने के मामले में साउथ इंडियन एक्ट्रेस की सूची में पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी कमाल की वीडियो में। धन्यवाद।